आप नॉर्मल डिलीवरी की इच्छा रखती हैं तो बच्चेदानी का मुंह समय पर खुलने के लिए आप लाख कोशिशें करती हैं, अपने डाइट को सही रखती हैं, एक्सरसाइजेज करती हैं। नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए बच्चेदानी का मुंह खुलना बेहद ज़रूरी है। बच्चेदानी का मुंह नॉर्मली 38 से 40 हफ्ते के बीच खुलना शुरू हो जाता है। ये डिलीवरी होने से 4 से 5 दिन पहले से ही खुलना शुरू हो जाता है बच्चेदानी का मुँह। और अगर महिलाओं का बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलता है तो लास्ट में डॉक्टर जो है वो सी सेक्शन करते हैं। अब बच्चेदानी का मुंह खुलने के क्या लक्षण होते हैं, चले ही जानते हैं। अगर आप घर बैठे पहचानना चाहती हैं अपने बॉडी सिम्टम्स के द्वारा कि बच्चेदानी का मुंह खुल रहा है या नहीं, तो ये सिम्टम्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे पहचानने के लिए कि बच्चेदानी का मुंह खुलना शुरू हो गया। जैसे ही बच्चेदानी का मुंह खुलना शुरू होता है, बच्चा जो है वो नीचे खिसकना शुरू करने लगता है, बेबी की ड्रॉपिंग शुरू होने लगती है। जब बेबी की ड्रॉपिंग शुरू होती है तो ऊपर आपको हल्का महसूस होगा और पेट के निचले हिस्से में काफ़ी ज़्यादा भारीपन महसूस होगा, साथ ही ऐसा लगेगा कि बच्चा बिल्कुल गिरने वाला है। तो पेट के निचले हिस्से में लटकाव या भारीपन बहुत ज़्यादा महसूस होना बच्चेदानी का मुंह खुलने के ही लक्षण हैं। और अगर आपको पेट के निचले हिस्से में लगातार दबाव या प्रेशर महसूस हो रहा है और साथ ही आपको दर्द भी महसूस हो रहा है पेट के निचले हिस्से में, साथ ही आपको प्राइवेट एरिया में भी काफ़ी दर्द, कभी कभी क्रैम्पिंग महसूस होता है, कमर में पीठ में भी दर्द महसूस होता है, तो ये बच्चेदानी का मुंह खुलने का ही लक्षण है। आमतौर पर प्रेगनेंसी में महिलाओं को यूरिन यानी फ्रिक्वेंट यूरिनेशन की जो प्रॉब्लम है वो तो होती ही है, लेकिन जब बेबी की ड्रॉपिंग खिसकाव शुरू हो जाता है तो 38 से 40 हफ्तों के बीच में प्रेगनेंसी के ये जो समस्या है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कि बहुत जल्दी जल्दी यूरिन आपको आने लगता है, तो समझ जाइए कि बच्चेदानी का मुंह खुलना शुरू हो गया है। नेक्स्ट ये है कि आपके प्राइवेट एरिया से डिस्चार्जेस होना, ये डिस्चार्जेस गाढ़े होते हैं और साथ ही इन डिस्चार्जेस में आपको ब्लीडिंग के स्पॉटिंग भी दिख सकते हैं। ये डिस्चार्जेस आपको सर्दी जुकाम में जो नाक से आपके कफ निकलता है या म्यूकस निकलता है उसके जैसा ही होता है। तो डिस्चार्जेस गाढ़े होते हैं, वाइटिश फॉर्म में होते हैं और ये डिस्चार्जेस ये बताते हैं कि आपके बच्चेदानी का मुंह खुलना शुरू हो गया है। 9वें महीने में खासकर आप अपने डिस्चार्जेस पर ध्यान देना शुरू करें। हल्की गुलाबी या फिर इसमें ब्लीडिंग के भी कुछ स्पॉट्स हो सकते हैं। पानी की थैली फटना ये बताता है कि आपके बच्चेदानी का मुंह खुल चुका है। ये आमतौर पर आपके डिलीवरी से कुछ घंटे पहले होता है। तो अगर आपके प्राइवेट पार्ट एरिया से हल्का चिपचिपा जो है आपका, अगर वाटरी काफ़ी ज़्यादा निकल रहा है, वाटर बिल्कुल निकले जा रहा है, पानी निकले जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जिस थैली में बच्चा था वो थैली फट चुकी है और वहाँ से पानी सारा बाहर आ रहा है और अब डिलीवरी होने वाली है। तो ये डिलीवरी से कुछ घंटे पहले होता है पानी की थैली फटना। बच्चेदानी का मुंह जब 2 सेंटीमीटर तक खुलने लगता है तो अधिकांश महिलाओं को लेबर पेन शुरू हो जाता है। ये जो लेबर पेन होता है वो काफ़ी तेज होता है। और वहीं जब बच्चेदानी का मुंह 3 से 4 सेंटीमीटर तक खुल जाता है तब महिलाओं को ये लेबर पेन और भी ज़्यादा आने लगता है और ये हो सकता है कि 2 से 3 मिनट में 2 से 3 बार भी लेबर पेन या क्रैम्प आपको महसूस हो। तो जैसे जैसे बच्चेदानी का मुंह खुलने लगता है आपके लेबर पेन भी वैसे वैसे बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करते जाएं। धन्यवाद।